तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में। हम पढ़ाई कर रहे थे इकोनॉमिक्स में। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था फ्रेंड्स? तो टॉपिक था हमारा पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है सीधा सीधा तीन चीज़ों से। सबसे पहले तो बजट से। बजट बजट हमने डिटेल में स्टडी कर चुके थे। बजट बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा, इसका एक मोटा मोटी अनुमान होता है। बेसिकली है इट इज़ क्या होता है, एस्टिमेशन, एस्टिमेट होता है बजट एस्टिमेट। इसलिए जो बजट में डेटा देते हैं उसको बी कहते हैं दोस्तों, बजट एस्टिमेट कहते हैं। फिर हमने पढ़ लिया था कि है ना, एक हमने इसका फाइनेंस कमीशन के बारे में जाना था कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ, केंद्र को मजबूत बनाया गया, केंद्र को भारत सरकार को मजबूत बनाया गया, यूनियन को। यहाँ से पैसा आप क्या देना है, स्टेट को अलॉट करना है, स्टेट्स को अलॉट करना है। नंबर दो, ऐसा पूरे 28 स्टेट को कुछ पैसा देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक परमानेंट बॉडी बनानी पड़ेगी जिसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन। बना रखा है संविधान में, बना रखा है 200 आर्टिकल 280 के तहत। तो ये क्या करता है, ये सिफारिश करता है भाई कितने पैसे आप स्टेट्स को दो। तो मैंने बताया था 41%, मतलब अगर केंद्र को टैक्स से 100 रुपये इनकम होता है तो उसमें से 41 रुपये इसको देना है, 41 रुपये स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर स्टेट्स के आपस में भी कैसे बंटवारा करेंगे, बड़े राज्यों को ज़्यादा मिले, छोटे राज्यों को कम मिले, तो उसको क्या कहा था हमने, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला कहा था। ये 41% क्या था, वर्टिकल डिवोल्यूशन था। ये दो चीज़ें हमारा जो मेजर टॉपिक थे वो खत्म हो चुके थे। लास्ट था टैक्सेशन, कर प्रणाली। भाई बजट में देखो मुख्यतः हम पढ़ाए थे बजट में, रिसिप्ट में दो ही तरह की रिसिप्ट पढ़ी थी हमने, एक तो टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो जो टैक्स रिसिप्ट है ना वो बेसिकली कहाँ से आती है, वो टैक्सेशन के माध्यम से आती है। तो भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सरकार को जो मोस्ट ऑफ द इनकम होती है ना, अधिकांश इनकम वो टैक्स लगाने से होती है। तो अब आज हम कर के बारे में जानेंगे, आज हम क्या जानेंगे, कर के बारे में जानेंगे। टैक्सेशन, टैक्स किसे कहते हैं, क्या होता है। सबसे पहले तो टैक्स क्या होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा इनकम टैक्स, GST या फिर कॉरपोरेशन टैक्स। दुनिया भर के तमाम प्रकार के टैक्स हैं, आप एक बार दो तो सही। सरकार ने इतने टैक्स लगा रखे हर चीज़ पर, केवल मरने पर हमारे सामने टैक्स छूट रहा होगा, नहीं तो बाकी हर चीज़ पर टैक्स है। अभी देखेंगे हम, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे टैक्स हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है। तो टैक्स क्या होता है, कंपल्सन होता है, कंपल्सरी होता है। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी होता है दोस्तों, जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन पे या कॉरपोरेशन पे या निगम या कंपनीज पे लगाती है, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स क्या होता है, बेसिकली कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट को जो अपने सिटीजन पर लगाती है। ऐसा नहीं है कोई इससे मना कर सकता है, किसी भी इनकम टैक्स बनता है तो उसको जमा करना ही पड़ेगा, GST बनता है तो उसको जमा करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। यूँ नहीं कि मुझे ये सुविधा नहीं, मेरे इलाके में रोड खराब है, मैं टैक्स नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। टैक्स तो कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, बदले में कुछ भी उम्मीद ना करो। ऐसा नहीं है कुछ भी उम्मीद ना करो, ऐसा नहीं है। जैसे हम पार्क में गए तो पार्क में 10 रुपये की एंट्री फीस लगी, तो बदले में आप क्या उम्मीद करोगे कि पार्क की मेंटेनेंस बढ़िया होना चाहिए। तो टैक्स एक अनिवार्य कंट्रीब्यूशन होता है, जनता द्वारा सरकार को दिया जाता है और यह कंपलसरी होता है, देना ही पड़ता है। जिस पर लगता है उसको मना नहीं कर सकता, नहीं तो जेल में डाला जा सकता है। टैक्स एक तरह से दोस्तों क्या होता है, सोशल जस्टिस का भी तरीका है, सोशल जस्टिस या इसको कहो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी जरिया। कैसे, अभी देखते हैं। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी जरिया है। देखो भाई, ये तो है गवर्नमेंट, ठीक है, अब ये है सिटीजन। कुछ सिटीजन ऐसे हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा है, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन या हो सकता है कोई और भी, कई सारे ज़्यादा इनकम होती है जिनकी, ऐसे लोग होते हैं। एक तरफ होता है पुअर लोग, समाज के बिल्कुल गरीब लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, तो सरकार क्या करती है टैक्सेशन में, अमीर लोगों पर पैसा लगाती है। ऐसे लोग जो पैसे वाले उन पर क्या लगाएगी, इनकम टैक्स लगाएगी। और इसको फिर क्या करेगी, गरीब के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी, पुअर के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करेगी। तो टैक्स के माध्यम से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस स्थापित कर रही है, अमीरों से पैसा लेके टैक्स कलेक्ट करके गरीबों पर खर्च कर रही है। इसके बाद सरकार चलाने के लिए भी टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट मान लो सब, आपने गवर्नमेंट बढ़ा दी, मोदी जी की सरकार आ गई, अब चलेगी कैसे, इतने सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, खुद के प्रशासनिक खर्चे, इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे एम्प्लॉई, हम कैसे चलेंगे। तो सबके लिए टैक्स जरूरी है और फिर डेवलपमेंट के लिए, तो बेसिकली मोटा मोटा तीन चीज़ों के लिए जरूरी हो गया। तो टैक्सेशन का मुख्यतः क्या हो गया, टैक्सेशन मुख्यतः तीन चीज़ों में काम आ गया। एक तो गवर्नमेंट का खुद चलाना, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट के रन के लिए, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो पुलिस है, तो पुलिस के पास गाड़ी होनी चाहिए, वाहन चाहिए, थाना चाहिए, सब चीज़ें चाहिए,
पुलिस पर्सनल को सैलरी देनी पड़ेगी, उनके लिए इनकम कहाँ से होगी, इनकम टैक्स से होगी। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए चाहिए, फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, रोड बनाना है शहर में, रोड बनाना है, सीवर लाइन बनानी है, सड़क बनानी है, बिजली उपलब्ध करानी है, या फिर पार्क डेवलपमेंट करना है, या फिर इतने सारे जो नदियों पर पुल वगैरह बनाने, रेलवे डेवलपमेंट करना है, ये सब कहाँ से होगा, ये सब टैक्स के पैसे से होगा। तो गवर्नमेंट चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस कैसे हो रहा है मैंने बता दिया, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, आय का पुनर्वितरण हो रहा है इसके माध्यम से, गरीब अमीर से लेके गरीबों को दिया जा रहा है, अमीर पर टैक्स लगाया और गरीब को क्या दे दिया, गरीब को पेंशन स्कीम दे दी, चल रही है ना वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन चल रही है राजस्थान में 55 साल से 58 साल के ऊपर, गरीब को क्या गया, फ्री में एजुकेशन दे दी, स्कूल चला रही गवर्नमेंट, फ्री में एजुकेशन दे दी ताकि वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ सके, फ्री में क्या करेगा, हॉस्पिटल में मेडिसिन या मेडिकल फैसिलिटी फ्री करा दी, जैसे राजस्थान में चलती चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इस प्रकार से ये सोशल जस्टिस का भी जरिया है। और टैक्सन क्या होता है, कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं मुठा के मना कर दे, कंपलसरी होता है, इसको देना ही पड़ेगा जिस पे लगता है, और नींद दे तो फिर क्या करेगी सरकार जेल में डाल देगी। एक और दोस्तों सब समझ लो, टैक्स बेस, टैक्स लग तो गवर्नमेंट लगा तो रही है, लेकिन किस चीज़ पे लगा रही है, जिस चीज़ पे लगा रही है उसको टैक्स कहते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट इनकम पे लगा रही है तो उसको क्या कह देते हैं, इनकम टैक्स कह देते हैं, कहते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट है ना वस्तुओं सेवाओं के बिक्री पे लगा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज करो कार बिक रही है, वस्तु है उसके सेल पे लगा रही है, तो इसको क्या कह देंगे, जीएसटी कह देंगे, जीएसटी की प्रॉब्लम ये तो होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कोई दिक्कत। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पर लगा रही है, अभी पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में लगा रही है तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कह देंगे। इसके बाद और कई प्रकार से जिस बेस पर लगाती है उस टैक्स को उस नाम से ही जाना जाता है, सामान्यतः यही परंपरा है। यहाँ तक हमने बेसिक पढ़ लिया, अब हम स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत में टैक्स सिस्टम क्या होता है, भारत में टैक्स सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मुख्य क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना है, सरकार को चलाना है, सरकार का खर्च करना है, विकास कार्य कराने हैं, इससे क्या होगा, इनकम इनइक्वलिटी भी घटती है, अमीर आदमी पर 40% टैक्स लगा रहे हैं, 30% टैक्स लगा रहे हैं, इनकम इनइक्वलिटी कम होगी, जो 1 करोड़ रुपये कमा रहा है उसको क्या किया, उस पर 30% 40% तक टैक्स लगाया इनकम टैक्स, तो 40 लाख रुपये गवर्नमेंट ने ले लिए इससे, अब ये गरीबों में बांटे जाएंगे, गरीबों पर खर्च किए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इनकम की इनइक्वलिटी घटेगी। अब देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स सिस्टम, कर कैसे लगाते हैं, तो इसके 3 मेथड होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव, ये पढ़ेंगे हम। टैक्स सिस्टम, अब कर कैसे लगाया जाए, कर तो लगाना ये पक्की बात है, कर कैसे लगाया जाए, कर की रेट क्या रखी जाए, क्या कर इनकम के बढ़ने के साथ साथ कर की टैक्स की रेट बढ़े, तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार के कर होते हैं। एक तो होता है प्रोग्रेसिव, जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव सिस्टम में कहता है कि कर की वो प्रणाली है जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट बढ़ती है, जैसे मान लो किसी के 10 लाख इनकम है तो उस पर 10% टैक्स लगाओ, 20 लाख इनकम है तो 20 लगाओ, 1 करोड़ इनकम है तो और ज़्यादा 30% लगाओ, 10 करोड़ या 100 करोड़ है तो इसको फिर 35% कर दो। तो ये कर की ऐसी प्रणाली जिसमें इनकम बढ़ने पर टैक्स की रेट बढ़ती है, डेट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील है, ये अच्छी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ये अच्छी है नहीं, अमीर आदमी पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, गरीबों कम लगना चाहिए, सर इसमें कोई गलत बात है क्या, नहीं है, टैक्स प्रणाली वही अच्छी होती है जिसमें अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगे और गरीबों पर कम लगे। तो इस प्रकार को इसको चार्ट दिखाते हैं, चार्ट में क्या दिखाएंगे, ये चार्ट ऐसा होगा, ये टैक्स रेट हो गया, टैक्स क्या हो गया, बेस हो गया, टैक्स रेट हो गया, अब ये इनकम बढ़ी, देखो यहाँ पे था तो टैक्स बेस कम था तो ये 10% था, या फिर इनकम बढ़ गई तो ये 20 हो गया तो टैक्स रेट बढ़ गई, ये हो गया 30 हो गया, अयो नहीं पे अनलिमिट तक 100% लगा दो, ऐसा नहीं, अपर लिमिट फिक्स होती है, पर मोटा मोटी कर की वो प्रणाली जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, टैक्स की रेट बढ़ती है। भारत में इनकम टैक्स वैसे अपनाया जाता है, इनकम टैक्स को ना ऐसे प्रोग्रेसिव रूप में अपनाया जाता है, 5 लाख रुपये तक तो फ्री, 10 लाख तक तो 5%, 20 लाख तो 20% उसके ऊपर 30%, फिर 1 करोड़ के ऊपर 30% के ऊपर भी सरचार्ज लगता है। तो इसी प्रकार की कर प्रणाली दुनिया के अधिकांश देशों में अपनाई जाती है दोस्तों, इनकम टैक्स वाली, इनकम टैक्स के लिए दुनिया के अधिकांश देशों में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही अपनाई जाती है। दूसरी होगी रिग्रेसिव, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में उल्टा होता है दोस्तों,
टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट घटती है, क्या होता है ये देखो, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, टैक्स रेट बढ़ने के साथ साथ या इनकम बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट क्या हुआ, टैक्स रेट घटा, ये होता है। 10 लाख पर कम, 10 लाख पर 30%, तो 20 लाख पर 20%, तो 30 लाख पर 10%, ऐसा उल्टा हो रहा है। तो कर की वो प्रणाली जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट घटती है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव। तो बताओ ऐसे एक सिस्टम लागू होना चाहिए क्या, ऐसा सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। इसलिए दुनिया में कहीं भी ये रिग्रेसिव सिस्टम को अपनाया नहीं गया है। समझ के बात तक समझ के तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये होता है टैक्स, टैक्स रेट हो गया, ये इनकम होगी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, कितने भी इनकम हो आप पर टैक्स रेट एक ही लगेगी। जैसा कि अभी है ना जीएसटी पर, सपोज करो एक मिनट के लिए आप कितना खरीदो, अगर 18% स्लैब में आता है तो 18% ही लगेगा। अब आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, अंबानी भी दूध लेने जाएंगे, एक गरीब आदमी भी दूध लेने जाएगा, तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा सब पे। तो करके ऐसी प्रणाली जिसमें इनकम बढ़ने के घटने के साथ साथ टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं होता है, टैक्स रेट बराबर सा लगता है, उसको क्या कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। अधिकांश अगर इनकम टैक्स में इवन एक बार है ना, अब मैं बताऊंगा कैसे, तो यहाँ सब समझ गया, इनकम बढ़ने के साथ साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है दोस्तों इसके बाद होती है नई डिग्रेसिव, डिग्रेसिव क्या होती है, दोनों का मिश्रण होती है, किसका, प्रोपोर्शनल का और डिग्रेसिव का। कैसे, एक लेवल तक तो कर बढ़ने की, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ेगी, बाद में क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जैसे इनकम टैक्स में यही होता है, 10 लाख तक इनकम 5%, 20 लाख तक 20%, 30 लाख तक 30%, 1 करोड़ तक, फिर उसके बाद है ना एक रेट फिक्स कर देती है, भाई 40% से ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फिर चाहे इनकम कितने भी बढ़ जाए। तो दुनिया में अधिकांश टैक्स ऐसे ही अपनाए जाते हैं और इनकम टैक्स भी ऐसे ही होता है, डिग्रेसिव नेचर का होता है। कैसे, शुरुआत में तो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ेगा, बाद में क्या होगा वो रेट बराबर हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद उसको स्टेबल आ जाएगा। फिर ये थोड़ी कि भाई इनकम बढ़ते जाए तो एकदम फिर 110% टैक्स लगा दो या 100% ही लगा दो, नहीं ना, एकदम अपर लिमिट तो फिक्स करनी पड़ती है ना, तो अपर लिमिट फिक्स कर दी जाती है। तो यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति हो तो हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि कर की प्रणाली 3 प्रकार की होती है। कर की प्रणाली कितनी प्रकार की होती है, कर की प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव में क्या होता है, इनकम जिसमें कर की, कर आधार, कर की दर कर आधार में वृद्धि के साथ बढ़ती है, टैक्स बेस बढ़ेगा तो क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ेगी। 10 लाख इनकम थी तो कम, 20 लाख इनकम तो ज़्यादा, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी नज़र में। तो प्रोग्रेसिव सिस्टम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, ये ऐसा चार्ट हो जाएगा। जैसे इनकम टैक्स 10% 20% टैक्स में ये बता रखा है, कर की प्रणाली जिसमें कर की दर बढ़ने के साथ कर आधार में वृद्धि के साथ बढ़ती है, कर की दरें कर आधार बढ़ने के साथ घटती है, टैक्स बेस बढ़ा इनकम बढ़ी तो टैक्स घटा, तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव कहीं अपनाया जाएगा दुनिया में, रिग्रेसिव सामान्य कहीं नहीं अपनाया जाता, पर मैं बताऊंगा जो इनकम इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सामान्यतः रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं, कैसे होते हैं हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए तो आप इतना याद रख लो कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अब आगे प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में कुछ होता है नहीं, हम बताए थे प्रोपोर्शनल में क्या होता है दोस्तों, टैक्स बेस कितना भी बढ़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है, रेट चेंज नहीं होती, रेट चेंज नहीं होती, प्रोपोर्शनल सिस्टम में होता है टैक्स बेस ना, इनकम चाहे कितनी भी बढ़ जाए लेकिन टैक्स रेट जैसे 10% फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने तो 10% ही रहनी है। जैसे सर्विस टैक्स चलता था पुराने जमाने में, सर्विस टैक्स वो फिक्स होता था 12.5%, तो 12.5% लगना है इनकम चाहे कितनी भी हो कुछ भी हो। तो ऐसा सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल सिस्टम कहते हैं। एक होता है दोस्तों डिग्रेसिव, डिग्रेसिव में क्या होता है, पहले इनकम बढ़ने के, टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ती शुरुआत में जैसे इनकम टैक्स, बाद में क्या हो जाता है, बाद में वो स्टेबल हो जाता है, बाद में क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इनकम टैक्स इसका एक एग्जांपल है। तो डिग्रेसिव हो गया, चार हो गया, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव, चारों में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो हम एक बार दोबारा इसका रिवाइज कर लेते हैं, चिंता की कोई बात नहीं करते। टैक्स जो सिस्टम होता है ना, टैक्स सिस्टम में कर कैसे लगाना है, कितने रेट लगाने हैं, उसके लिए चार मेथड अपनाए जाते हैं। सबसे पहले टैक्स बेस समझ लो, टैक्स बेस का मतलब होता है जिस पर टैक्स लग रहा है, जैसे इनकम पर टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स बेस है, जैसे कमोडिटी बेचने पर लग रहा है तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा, सिक्योरिटी के सेल पे लगता है तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो इस प्रकार से टैक्स बेस होता है जिस पर टैक्स लग रहा है, तो इनकम पर लग रहा है तो इनकम टैक्स होता है। तो टैक्स सिस्टम में चार मेथड अपनाएंगे, सबसे पहले कौन सा, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या कहा कि टैक्स बेस बढ़ा, इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट बढ़ेगी। कैसा चार्ट होगा, ये होगा सीधा सीधा, टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ रही है। फिर
तो कौन सा सबसे बढ़िया माना जाना चाहिए? सबसे बढ़िया माना जाना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। जाहिर सी बात है, अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, गरीब आदमी को कम टैक्स लगना चाहिए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। रिग्रेसिव में उल्टा होता है साहब, कैसे टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट घटती है, तो ऐसा उल्टा हो जाएगा यूँ, तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं। रिग्रेसिव टैक्स गलत बात है, गरीब आदमी ज़्यादा बोझ डालता है अमीर आदमी की तुलना में, तो ये अच्छा सिस्टम नहीं है। प्रोपोर्शनल, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर ना इनकम देखी नहीं जा सकती, तो वहाँ पर क्या होता है टैक्स बेस घटे बटे घटे वो क्या होगा, एक ही टैक्स लगाएंगे। जैसे इनकम टैक्स जिसमें जीएसटी देख लो आप, जीएसटी की स्लैब होती है 18% 28%। जैसे मान लो कार पे 28% है, अब वो कार मैं खरीदूँ चाहे अंबानी जी खरीदे चाहे कोई भी खरीदे, उस पर 28% टैक्स लगना है, तो वो क्या होगा रेट फिक्स होगी ना, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रेट सिस्टम। फिर एक और हो गया डिग्रेसिव नेचर, डिग्रेसिव। डिग्रेसिव में क्या होता है दोस्तों, पहले इनकम बढ़ने के साथ साथ या टैक्स बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ती है, लेकिन बाद में स्थिर हो जाती है। दुनिया के अधिकांश जगह डिग्रेसिव ही मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखो इनकम टैक्स भी शुरुआत में तो बढ़ता है, कुछ इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट बढ़ी 10%, 20%, 30%, लेकिन फिर उसके बाद नहीं बढ़ती, अपर टैक्स रेट फिक्स होती ही नहीं, फिर बढ़ती बढ़ती 100-120% पार करता है, ऐसा नहीं हो सकता। लगभग दुनिया के अधिकांश देशों में 35-40% टैक्स रेट लगाई जाती है, इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स दोनों में। इसके बाद वो क्या होता है टैक्स रेट स्टेबल हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता, तो एंड में क्या हो जाता है जाके वो डिग्रेसिव हो जाता है नेचर में। तो चारों में पढ़े तो हमने कोई गलत बात है क्या? अब टैक्स दो प्रकार से लगता है, टैक्स ये तो हो गया टैक्स के टाइप, अब टैक्स दो प्रकार से लग सकता है, या तो लगे वैल्यू पर, कैसे वैल्यू पर, जैसे मान लो कि कार है, तो कार 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख रुपए का 10% हमको दे दो, इस प्रकार से लगे। उस जो चीज़ है ना, उस चीज़ की कीमत के आधार पर अगर कोई टैक्स लगे तो दोस्तों उसको कहते हैं एड वोलेरम टैक्स, ये याद रखना पड़ेगा आपको, पूछ सकते हैं एग्जाम में एड वोलेरम टैक्स का क्या मतलब है। तो इस प्रकार के टैक्स में क्या लगता है, वैल्यू के आधार पर, मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है। जैसे कार पर मान लगा दिया उसने जीएसटी लगा रखा 10%, तो 5 लाख की कार पे तो 50,000 रुपये, 10 लाख की कार पे तो 1 लाख रुपये, 20 लाख की कार पे तो 2 लाख रुपये, इस प्रकार से टैक्स लगेगा। लेकिन जो दूसरा कर होता है ना, जो दूसरा कर होता है वो होता है दोस्तों स्पेसिफिक टैक्स। इसमें क्या होता है, मूल्य के आधार पर नहीं लगता, इसमें नंबर के आधार पर लगता है, नंबर के आधार पर। जैसा कि अगर मैं ये टैक्स लगा दूँ, ये कहूँ कि प्रति कार पर कार 50,000 रुपये का टैक्स लगेगा, अब कार चाहे 10 लाख की हो 20 लाख की हो, हमको कोई लेन देन नहीं, पर हमको तो क्या कर दिया, हमने कार का हिसाब से फिक्स कर दिया, प्रति कार कितना लगेगा 50,000 रुपये लगेगा, तो इसका कार का मूल्य ही कोई वैल्यू नहीं है, सस्ती भी वही महंगी भी वही है। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहेंगे, इस प्रकार के टैक्स को कहेंगे स्पेसिफिक टैक्स। सामान्यतः दुनिया में एड वोलेरम टैक्स ही अपनाया जाता है। कुछ कुछ जगह अपनाया जाता है स्पेसिफिक टैक्स। जैसे इंडिया में, एक मैं बता दूँ, जैसे भारत में आप जानते हो कोयले का उपयोग होता है, कोयले के उपयोग से क्या होता है पोल्यूशन फैलता है, तो कोयले के उपयोग पर है ना सेस लगा रखा है 400 रुपये पर टन, कितना 400 रुपये पर टन, एक टन कोयले का इस्तेमाल करो तो 400 रुपये टैक्स देना। अब कोयले के मूल्य पर नहीं कि भाई 10,000 रुपये का कोयला हो तो 10%, ऐसा नहीं, एक टन पे, अब चाहे कितने भी रुपये का हो, महंगा हो तो महंगा, सस्ता हो तो सस्ता। तो इस प्रकार के टैक्स को कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स, ये जनरली सेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको ध्यान रखना है एड वोलेरम और स्पेसिफिक अंतर, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जनरल है ना, जनरल दुनिया में वो एड वोलेरम टैक्स ही अपनाया जाता है। ये क्या है, न्याय प्रदान करता है, जस्टिस, ज़्यादा महंगी चीज़ पर ज़्यादा। आप देख कार का एग्जाम्पल देखा सको कुछ करो, अगर कार पे हमें एड वोलेरम नहीं लगा के स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया, तो फिर क्या होगा, महंगी कार पे भी उतना ही है, सस्ती कार पे भी उतना ही टैक्स है। जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी सस्ती कार ले रहा है, उस पर भी उतना ही बोझ पड़ रहा है, और अमीर अंबानी 1 करोड़ रुपये की कार खरीदा उस पर भी उतना ही टैक्स पड़ रहा है। तो ये गलत सिस्टम है, कार की कीमत पर लगना चाहिए। महंगी कार मान लो 1 करोड़ की कार ले रहा है, तो अपने आप 20% के हिसाब से 2 लाख रुपये देगा, 20 लाख रुपये देगा वो। 5 लाख की कार ले रहा है तो 20% के हिसाब से 1 लाख रुपये टैक्स बनता है, तो कम लगेगा। तो इस प्रकार से कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है, एक तो उसकी वैल्यू पे, एक उसकी मात्रा पे। टैक्स दो प्रकार से लगता है, दो आधार से लगता है। सबसे पहले एड वोलेरम, एड वोलेरम में क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू उसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू। ऐसा कर जो मात्रा पर न लगता, किस पे लगे, मूल्य पर लगे, कीमत पर लगे, कार पे, जैसे कार का एग्जाम्पल हमने देखा, प्रति कार का एग्जाम्पल हमने देख लिया था। इसी प्रकार से एक सा कर जो मात्रा पे लगे, एक कार पे 50,000 रुपये, तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्पेसिफिक कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, जैसे सेंट लग जाए, लागत का 10%। दुनिया में ज़्यादातर ये लगता है कौन सा एड वोलेरम, या तो कहीं कहीं लगता है जैसे 100 रुपये टन, एक टन चीज़ खरीद बेचो 100 रुपये टैक्स दे दो, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस प्रकार का टैक्स कहलाएगा स्पेसिफिक टैक्स। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, माई ओपिनियन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टैक्स सेस और सरचार्ज। टैक्स सेस, ये नाम बार बार सुना होगा आपने,
सेस सरचार्ज। हम एक एग्जांपल समझ लेंगे, सपोज करो इनकम टैक्स है। ये देखो जो भी मैं एग्जांपल देता हूँ ना वो समझाने के लिए देता हूँ, फैक्चुअली वो इनकरेक्ट हो सकते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकते हैं। हमको तो विद्वान नहीं बनना, हमको वहाँ रघुराम राजन जी के पास में या शशिकांत दास के पास जाके नीतियाँ नहीं बनाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। हमको क्या करना है, हमको एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम पास करने के लिए आपको समझना जरूरी है, समझने के लिए कई बार फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें जिससे जल्दी समझ में आ जाए वो बताना पड़ता है। तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाए ऐसी बात बताएंगे हम। सपोज करो ये 10 लाख की इसकी इनकम है, 10 लाख की इनकम है, गवर्नमेंट ने कह दिया इस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा 10%, 10%, ठीक है। ये गया 1 लाख रुपये, ठीक है, कहाँ चल जाएगा, भारत सरकार के पास चल जाएगा। किसमें चल जाएगा, आप हमने पढ़ा था 3 प्रकार के पोस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चल जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब एक कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है सेस और सरचार्ज भी लगा देती है। तो बेसिकली दोस्तों सेस और सरचार्ज टैक्स पर टैक्स होता है, टैक्स तो लग गया, सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पर टैक्स होता है। ये ना मूल राशि पर नहीं लगता, टैक्स पर लगता है, टैक्स पर लगता है। अभी कैसे लगता है बता देंगे। सपोज करो अब अचानक से गवर्नमेंट को सपना आया क्या, यार स्वच्छ भारत मिशन चलाना है मुझे, तो ठीक है पूरे इंडिया में सफाई चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो सेस लगा दो, स्वच्छ भारत सेस लगा दिया। सपोज करो सब बहुत स्वच्छ भारत सेस लगा दिया, किस पे लगाया, इसी इनकम पे लगाया, इनकम टैक्स का कितना 10% स्वच्छ भारत सेस लगा दिया। तो दोस्तों अब जो इसकी गणना होगी ना वही 10 लाख रुपए का 10% नहीं होगी, वही 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स कितना बना था, इनकम टैक्स 1 लाख रुपए बना था, इसका 10% मतलब 10,000 रुपये स्वच्छ भारत सेस के रूप में इकट्ठा होंगे। और दोस्तों ये पब्लिक अकाउंट में जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, पब्लिक अकाउंट में जाएगा, जो स्वच्छ भारत सेस नाम से कोई खाता बना हुआ होगा उसमें जाएगा, और इसका उपयोग केवल स्वच्छ भारत मिशन में किया जाएगा, केवल कहाँ किया जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन में किया जाएगा। देखो सेस का दो चीज़ें समझ लो, सेस है ना मूल राशि पर नहीं लगता है, यहाँ पर इनकम टैक्स 10 लाख पर लगा तो 1 लाख होगा, सेस से होता क्या होता है, टैक्स पर टैक्स होता है, क्या होता है, टैक्स पर टैक्स होता है, मतलब जो 10 लाख का टैक्स बना ना 1 लाख रुपये अब इस पर लगेगा, टोटल 10 लाख रुपये पर नहीं लगेगा, 10 लाख का 10% 1 करोड़ 1 लाख होता पर उस पर नहीं लगेगा, 1 लाख, ये लगेगा 1 लाख जो इनकम टैक्स बढ़ाता ना उस पर लगेगा। दूसरा ये विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस, जैसे पेट्रोल डीजल पर रोड सेस लगता है, आप जितने भी पेट्रोल डीजल बनाते हो, तो ये कंसेप्ट दिया था अटल जी ने, अटल जी के टाइम में देखा गया कि भाई रोड से रोड बनाना है हमको, उन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनानी है जिसके तहत पूरे चारों मार्ग नेटवर्क को जोड़ना है, फोर लेन बनाने, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो पेट्रोल डीजल पर सेस लगा दो, 2 रुपये पर लीटर लगा दो। अब आपने 1 लीटर क्या खरीदा, पेट्रोल खरीदा, 2 रुपये पैसा कहाँ गया, रोड सेस के नाम पर जमा हो गया सरकारी खाते में। अब उसका उस पैसे का उपयोग केवल कहाँ होगा, उस पैसे का उपयोग केवल और केवल रोड बनाने में होगा। तो स्वच्छ भारत जो सेस लगते हैं जितने भी दुनिया में, वो केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं, उन उस पैसे का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए होता है। स्वच्छ भारत सेस का उपयोग केवल और केवल स्वच्छ भारत मिशन में किया जाएगा, और कहीं नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, टैक्स का उपयोग कहीं भी कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट के पास टैक्स आया 1 लाख रुपये, अब इसका उपयोग वो जहाँ चाहे डेवलपमेंट में, योजनाओं में, कोई सी भी योजनाओं में कर सकती है। टैक्स जनरल होता है, टैक्स से जो पैसा आता है जनरल होता है, वो सरकार अपनी मन मर्जी के हिसाब से कहीं भी कर सकती है पैसा खर्च, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर चलो सरचार्ज पर, सरचार्ज पर। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि इनकम टैक्स तो ठीक है चल ही रहा है, अब क्या करो इसी 10 लाख तक की आयु वाले पे क्या करो, 10% सरचार्ज लगा दो, क्या लगाओ, सरचार्ज लगा दो। तो इस 10% ये भी क्या है, सरचार्ज भी क्या है, टैक्स पर टैक्स है, ये 1 लाख पे लगेगा तो कितना बनेगा, 10,000 बनेगा, लेकिन ये जाएगा CFI में, उसका उपयोग जनरल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स और सरचार्ज एक टाइप के हुए एक तरह से, और इस स्वच्छ भारत मिशन सेस अलग हुआ। तो हमने क्या देखा, सरचार्ज और टैक्स में सेस में क्या अंतर बताओ, सरचार्ज सेस दोनों एक जैसे ही होते हैं मोटा मोटी, क्या दोनों टैक्स पर लगते हैं, कर पर के ऊपर लगते हैं, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस ये है कि सर सेस का उपयोग तो है ना, जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है उसी के लिए करते हैं। सेस जब लगता है तो उसका नाम होता है आगे कि किस काम के लिए इस्तेमाल होगा, स्वच्छ भारत मिशन सेस, रोड सेस, हेल्थ सेस, तो स्वास्थ्य पर खर्च होगा पैसा। लेकिन सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है, सरचार्ज में जो सेस लगता है वो पैसा वो सी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, और वहाँ जिस उद्देश्य के लिए पैसा वो वहाँ गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकती है। तो तीन चीज़ों में कोई दिक्कत है क्या, मेरी ओपिनियन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, टैक्स सेस सरचार्ज। टैक्स क्या, अनिवार्य भुगतान जो सिटीजनों को, जो सिटीजन किसको करता है, गवर्नमेंट को करता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेस क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक
ठीक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर लगाया जाता है, कोई गलत है क्या? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन सेस, स्वच्छ भारत मिशन सेस, जैसे कि रोड सेस, रोड सेस, जैसे कि हेल्थ सेस, जैसे कि एजुकेशन सेस। तो इस तरह का पैसा जो आएगा ना वो केवल एजुकेशन पर ही खर्च होगा, वो केवल हेल्थ पर ही खर्च होगा। तो उससे सरचार्ज करके ऊपर कर रहे हैं, ये भी करके ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो दुरुस्त है बात। लेकिन सरचार्ज का पैसा जनरल होता है, कहीं भी खर्च कर सकता है। अब बेसिकली इन दोनों में एक और अंतर होता है, एक तरफ टैक्स, एक तरफ सेस सरचार्ज। हम लोगों ने देखा टैक्स किस पे लगता है, टैक्स बेस पे लगता है, इनकम पे, 10 लाख की इनकम है तो 10 लाख पे लगेगा। लेकिन सेस सरचार्ज टैक्स बेस पर नहीं लगता, ये टैक्स पर टैक्स है, टैक्स पर टैक्स है, ठीक है। एक दोनों एक मुख्य अंतर होता है दोस्तों। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था बताओ, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो टैक्स केंद्र को प्राप्त होता है ना पैसा, वो राज्यों में डिवोल्यूशन करता है, स्टेट को डिवोल्यूशन करता है, वितरण करता है। लेकिन जो खास बात है कि दोस्तों जो सेस और सरचार्ज से बड़ी इनकम होती है ना, ये स्टेट के साथ क्या होता है, स्टेट के साथ शेयर नहीं की जाती है, शेयर नहीं की जाती है। फाइनेंस कमीशन का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, फाइनेंस कमीशन इनको कंसिडरेशन नहीं करेगा। इसका मुख्य रीजन यही है कि भाई जब सेस का कंसेप्ट क्या है, ये है कि इसको उसी उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है, तो ये पैसा उसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च होना चाहिए ना, राज्य को क्यों दिया जाए इस पैसे को। इसलिए सेस और सरचार्ज का पैसा राज्य के साथ वितरण नहीं किया जाता। और आज की डेट में स्टेट का ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, क्या है कि सरकार क्या करती है, जब भी सरकार को पैसा आती है तो सेस और सरचार्ज को बढ़ा देती है, क्या करती है, इन टैक्स नहीं बढ़ाती है, टैक्स नो चेंज, सेस और सरचार्ज को बढ़ा देती है। सेस केंद्र सरकार क्या करती है, सेस और सरचार्ज को बढ़ा देती है, तो इससे जो इनकम होगी वो केंद्र के पास ही रहेगी, कहाँ रहेगी, केंद्र के पास ही रहेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, राज्यों के साथ वितरण नहीं करना पड़ेगा, तो इस पैसे का क्या होगा, राज्यों को प्राप्ति नहीं होगा। तो केंद्र राज्य सरकार इसे दुखी है कि सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार ऐसे बदमाशी कर रही है, सेस सरचार्ज बढ़ा के अपनी इनकम तो बढ़ा दे रही है लेकिन वो पैसा हमारे साथ नहीं बांट रही। क्यों नहीं बांट रही, क्योंकि सेस सरचार्ज का पैसा राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है, ठीक है। अब टैक्स ये हम बाद में पढ़ लेंगे, उत्पादन बिंदु पर लगाया जाए, उत्पाद शुल्क उसके उपयोग बिंदु पर लगा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स एकदम बेसिकली दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टैक्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, कराघात और करापात, कराघात और करापात। अब देखो पूरे तरह से, अब तो पढ़ ली टैक्स के सिस्टम वगैरह पढ़ ली, अब टैक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं जो आप लोगों ने बार बार सुना होगा, कौन कौन सा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमने सुना है, सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो इसके पहले जानने के पहले दो चीज़ें होती है, एक तो कराघात, कराघात, एक करापात, ये दो शब्द होते हैं। एक तो इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, करापात को इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। देखो क्या बात होती है, एक कहानी सुना देते हैं फिर मजा आ जाएगा। ये है भारत सरकार, कौन है, मोदी जी बैठे, ये बैठे मोदी जी यहाँ पर, एक ये आम आदमी है, आप में हो सकता हूँ, कोई भी हो सकते हैं, सैलरीड पर्सन है, और इनकम टैक्स ये क्या है, ये रामलाल जी है, ये एक आदमी है, इसने इनकम कितना करे, इसकी इनकम है 1 करोड़ रुपये, कोई बिजनेसमैन है, तो भारत सरकार ने क्या कहा, भाई 30% इनकम टैक्स लाओ, ठीक है। तो अब ये रामलाल जी क्या करेंगे, ये अपने इनकम में से 30 करोड़ रुपये निकालेंगे, 30 लाख रुपये निकालेंगे और सरकार को जमा करेंगे, 30 लाख रुपये सरकार को जमा करेंगे, बीच में कोई नहीं आ सकता, ये सीए की मदद ले सकते हैं लेकिन ऐसा बीच में नहीं किसी और पर टरका दिया। तो दोस्तों कराघात का मतलब होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब होता है जो सरकार में पैसा जमा कराता है, ठीक, सिंपल सी बात, देसी भाषा में, ये टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, लेकिन हमको समझना है कराघात कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, जो भारत जो सरकार के पास जाके पैसा जमा करेगा। तो अब इस पे इनकम टैक्स है, तो इसने क्या किया, इसने ये पैसा जाके सरकार को जमा कराया। लेकिन करापात कहते हैं कि जो अंतिम रूप से कौन चुका रहा है, तो अंतिम रूप से भी यहाँ कौन चुका रहा है, ये चुका रहा है, ये ए ही चुका रहा है, भाई इसके खाते से पैसा जा रहा है, ये अपने जेब से पैसा दे रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तरह से कराकार और करापार एक ही आदमी पर है नहीं है, बताओ। कर भी इसी पे लग रहा है और चुका भी यही रहा है सरकार को, कोई और तीसरा आदमी नहीं आ रहा। लेकिन एक अलग सिचुएशन सुनो, ये भारत सरकार, ये मोदी जी यहाँ बैठे, ये एक रेस्टोरेंट है, क्या है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है ये है, ये ए है, ए, ये ए क्या किया, इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है, 500 रुपये का खाना खाया। साथ में आप लोग जानते हो खाने पे क्या लगता है, बिल देखना तो जीएसटी लगता है, सुबह को 100 रुपये का जीएसटी लगा, आप शॉपिंग करने जाते हो तो जीएसटी लगता है। तो ऐसा करके आपने इसको कितना रुपया दिया, 600 रुपये दिया, दिया नहीं दिया, रेस्टोरेंट में जाके आपने 600 रुपये का बिल भर दिया और आप आ गए अपने घर। अब ये 100 रुपये टैक्स लग रहा है, ये कौन भरेगा, ये खाने वाला रेस्टोरेंट वाला भारत सरकार मोदी जी को देगा, जीएसटी रिटर्न भरेगा हर महीने, और अब ये क्या करेगा, जो जीएसटी इसको प्राप्त हुआ है वो उसको सरकार को जमा करेगा। तो बताओ इसमें कारागार किस पे, कारागार किस पे, कारागार इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स किस पे, इम्पैक्ट किस पे बताओ। तो सर इम्प्रेंट इम्पैक्ट तो रेस्टोरेंट पे, क्यों है, सरकारी रेस्टोरेंट वाले को जानती है सरकार, इसे एको नहीं पकड़ेगी, भाई तूने इससे पैसे जीएसटी ले लिया, अब जमा कौन करेगा सरकार के पास में जीएसटी, ये रेस्टोरेंट वाला जमा करेगा, नहीं करेगा तो सरकार इस पर पेनल्टी लगाएगी, जेल भेज देगी। लेकिन फाइनल पैसा जेब के किससे जा रहा है, इम्पैक्ट किस पे, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फाइनल जेब से पैसा कौन दे रहा है, इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस किस पे है फाइनली, इंसिडेंस सर ये ए पे है, पैसा तो ये एने दिया। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, देखो कराकार तो किस पे है, कराकार तो रेस्टोरेंट मालिक पे है, और करापार कौन कर रहा है, ए पे कर रहा है। तो बस यही दो तरह के टैक्स होते हैं, ऐसा टैक्स जिसमें क्या होता है, जिसमें है ना सरकार के पास इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है एक तरह से, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसमें डायरेक्ट जा रहा है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मैं दूसरी बात हम कह दूं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में सर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स वो दो भिन्न भिन्न पर्सन व्यक्तियों पर होता है। हम इसको एक दो और एग्जाम्पल से समझ लेंगे, आप ऐसा चिंता करने की कोई जरूरत की बात नहीं है। और क्या समझे, एक और समझ लेते हैं, मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, बिल्कुल जाते हैं, ये क्या है, सिनेमा है, सिनेमा हाउस, पीवीआर है, पीवीआर, मैं पिक्चर देखने गया, ये मैं कौन हूँ, ये मैं ए हूँ, ये बी, मेरे दो दोस्त, हम दोनों मिलके पिक्चर देखने गए, 500 रुपये का टिकट था, जीएसटी लगा 200 रुपये, हो गए 700 रुपये मैंने इसको पे करके आगे। अब ये जीएसटी 200 रुपये दिया, ये कौन जमा करेगा सरकार को, पैसा तो सरकार के पास जाना है जीएसटी, तो फिर ये 200 रुपये ये पीवीआर सिनेमा का मालिक सरकार में इसको डिपॉजिट करेगा, हमको कोई लेन देन नहीं इससे। तो देखो यहाँ पर सरकार के पास जमा अलग कर रहा है, लेकिन टैक्स फाइनल कौन दे रहा है, टैक्स फाइनल हम दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल कितने देख लो, आप मॉल में जा रहे हो खरीदारी करने, जींस खरीद लिया आपने, जींस खरीदे तो उसमें क्या होता है, जीएसटी शामिल होता है, तो आपने तो जींस जो दुकानदार को दिया है, अब दुकानदार सरकार के पास जाके जमा करेगा। ऐसे कई नाना प्रकार के टैक्स हैं ऐसे दुनिया में, अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम एक एक करके। और फाइनल जीएसटी तो है सही, जीएसटी तो है ही सही ना, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या होता है, हम तो क्या करते हैं, दुकानदार को देते हैं, दुकानदार भी सरकार में जमा कराता है, या फिर हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, तो पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें तो जो कर है ना वो शामिल है, 90 रुपये लीटर लिया, 90 रुपये लीटर लिया, तो इसमें टैक्स शामिल है। तो हमने तो किसको दिया, पेट्रोल पंप ओनर को दिया। अब पेट्रोल पंप ओनर क्या करेगा, जाके जमा करेगा कहाँ पे, सरकार के पास। ऐसे होटल में रुकने गए तो हमने तो जो होटल का रेंट दिया 1500-2000 रुपये, तो होटल वाले को दे दिया, उसमें हमको बिल दे दिया, साथ में जीएसटी ले लिया। लेकिन क्या होता है, वो अब जीएसटी कौन जमा करेगा, होटल वाला जमा करेगा। तो चोरी ऐसे तो होती है, चोरी कैसे होती है, चोरी ऐसे होती है टैक्स की, बिल नहीं लेता। अब आप होटल में जाओ, बिल मत लो, तो बिल नहीं लोगे तो वो क्या करेगा, जीएसटी के कुछ अमाउंट माफ़ कर देगा आपको। मान लो 18% जीएसटी है, मान लो 2000 रुपये का रूम था होटल में, अब 18% जीएसटी लगता है इस पर, 18%, तो सोचो कितना बनता है, 360 बनता है। अब आपने सब उसको बिल मत लो, जब बिल नहीं लोगे तो जीएसटी बनेगा नहीं, जीएसटी नहीं बनेगा तो होटल वाले को जीएसटी जमा नहीं करना पड़ेगा, तो वो कह देगा कि तुम 200 रुपये डिस्काउंट ले लो, कुछ मेरा ही बच जाएगा, कुछ तुम्हारा ही बच जाएगा। तो ये तो बिल नहीं लेना क्या करता है, एक तरह से चोरी को बढ़ावा देता है, कर चोरी को। इसलिए देखना कि दुकानदार बिल से बचते हैं, क्यों, बिल दिया तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपको जीएसटी या टैक्स वहाँ जमा करना ही पड़ेगा, समझ के। इसलिए बिल, इसलिए क्या करना चाहिए, बिल लेना ही चाहिए हर व्यक्ति को। अगर कुछ शॉपिंग कर रहा है कहीं भी, तो उसको बिल लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिल लोगे तभी वो पैसा जीएसटी या कोई और टैक्स कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और हमारे डेवलपमेंट में खर्च होगा, नहीं तो क्या होगा, वो पैसा बीच में ही दुकानदार हड़प लेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, बिल लेना ही लेना चाहिए। तो इसमें कोई अंतर, टैक्स समझ गए, डायरेक्ट टैक्स समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स समझ गए होंगे आप लोग।
डायरेक्ट टैक्स कौन सा कर की वो प्रणाली या वैसा कर जिसमें क्या होता है, करा का तो करा पात इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स किस पे पड़ता है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ओनली वन पर्सन, उसी पे पड़ेगा, उसी को चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ा जितने भी इनकम पे टैक्स लगते हैं ना, इनकम पर, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं दोस्तों। इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपके खाते में पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट और कैसे इस पर उठा पटक करेगा। तो अब इनकम टैक्स भी दो प्रकार, अब डायरेक्ट टैक्स, अब भारत में आप सब लोग जानते हो दो प्रकार की सिस्टम है, संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार की भी है, केंद्र और राज्य की भी है। तो केंद्र भी अपना डायरेक्ट टैक्स लगाएगा, भाई डायरेक्ट टैक्स भी 2 दिन लगा सकते हैं, केंद्र भी लगा सकता है, राज्य भी लगा सकता है, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स केंद्र भी लगा सकता है, राज्य भी लगा सकता है। लेकिन मैंने बताया था जितने भी मेजर मेजर या ज़्यादा इनकम वाले हैं ना, वो कौन लगाता है, वो लगाता है केंद्र सरकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र के डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे मेजर है इनकम पे लगने वाला इनकम टैक्स। आप लोगों को पता होगा ऐसे एक इनकम होती है, ये जब हम बजट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ता रहा मैं डिटेल में, 5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट है, 10 लाख तक 5%, 15%, 20%, 30% ऐसा टैक्स लगता है, उसको अपन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम उसको बजट पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ाऊंगा डिटेल में कि सबसे ज़्यादा कौन सी टैक्स इनकम होती है, सबसे कम किससे होती है, सब रामकान तब बताएंगे। अभी के लिए तो आप कंसेप्ट समझो, ताकि जब हम इंडिया का बजट पढ़ेंगे फ्री में फुर्सत में, तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो देखो इनकम टैक्स, दो टैक्स होते हैं जो इनकम पर लगते हैं, सिंपल, इनकम पर दो टैक्स लगते हैं। इनकम दो व्यक्तियों की हो सकती है, एक तो क्या होता है इंडिविजुअल पर्सन की, आप में कोई बिजनेसमैन रामलाल श्याम लाल मुकेश अंबानी धीरू भाई अंबानी कोई सा भी अंबानी, इंडिविजुअल व्यक्ति कोई इनकम करता है, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती कुछ भी करता है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। क्या कहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं उसको। आप पर मेरे पर बिजनेसमैन पर जितने भी हैं सब पर जो टैक्स लगता है इंडिविजुअल व्यक्ति पर, उसको कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। लेकिन क्या केवल इनकम इंडिविजुअल कमाना था, लेकिन कंपनी पैसा कमाती है, कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, जैसे कि बैंक ICICI बैंक हो गया, इनकम तो आता है ना कि ICICI बैंक ने इस वर्ष 3,000 करोड़ रुपये मुनाफा कराया, तो ऐसी कंपनियों के प्रॉफिट पर, यहाँ तो क्या लगता है इनकम पे लगता है, यहाँ प्रॉफिट का मैटर ही नहीं है, इंडिविजुअल पे तो क्या करता है इनकम पे लगता है, लेकिन रिलायंस ICICI इनके क्या होता है जो प्रॉफिट कमाते साल भर में, 100 रुपये की चीज़ खरीदी रिलायंस ने 120 में बेच दी, तो 20 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया ना, तो अब 100 पे कैसे लगा सकते हैं, टैक्स तो प्रॉफिट पे लगेगा। तो प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है दोस्तों उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों एक तरह से इनकम पे लगते हैं, इंडिविजुअल पे लगे तो पर्सनल इनकम टैक्स और कंपनी की इनकम पे लगे तो कॉरपोरेशन टैक्स। ये दोनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं और भारत सरकार लगाती है, और सबसे मोटी इनकम गवर्नमेंट को यहीं से होती है। तो और इन सब के लिए कानून बना हुआ है, अब फिर नहीं दिया तो सर नहीं दिया तो फिर क्या करो, इनकम टैक्स एक्ट आएगा और इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, रेड पड़ती है ना इनकम टैक्स, देखी होगी ना कई पिक्चरों में, रेड पिक्चर नहीं देखी अजय देवगन की, अजय देवगन की रेड पिक्चर देखी नहीं, देखी देखिए, तो उसमें फिर क्या करता है, आपने चुरा लिया इनकम हो रही दिखा नहीं रहे सरकार के पास, पैसा नहीं बच रहा तो भर रहे, तो फिर क्या करेगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ेगी और फिर कई सारे खेल हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा कानून बना गया, इसको पावर दी गई है इनकम टैक्स को, पावर दी गई 1961 में इनकम टैक्स 1961। एक और है डायरेक्ट टैक्स को, जो भारत सरकार के डायरेक्ट टैक्स को कलेक्शन के लिए एक संस्था बना रखी थी, जब मैंने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिटेल में पढ़ाई थी, वित्त मंत्रालय के कई सारे विभाग पढ़ाए थे, तो उसमें एक डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर दो संस्थाएं थी, दो बोर्ड थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये CBIC और CBDT। तो ये CBDT है ना, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का काम करता है इंडिया में। जब आप है ना UPSC से या SSC के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या IRS इनकम टैक्स पढ़ोगे, तब आप इस CBDT के अंडर ही काम करोगे, पूरे इंडिया में कहीं भी काम लगा सकता है ये। तो दोनों में कोई अंतर समझ गया, वह व्यक्ति की आय पर लगने वाला कर है, इंडिविजुअल की कर पर लगता है, कौन से एक्ट से पावर दी गई केंद्र को, तो इनकम टैक्स 1961 के तहत दी गई है। इसका रेगुलेशन कौन करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स करता है। इस पर एक हेल्थ सेस भी लगता है, सेस भी लगता है कुछ एक निश्चित इनकम के बाद सेस लगता है, कौन सा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शिक्षा एंड स्वास्थ्य उपकर 4% लगता है। ठीक है, यहाँ तक कॉरपोरेशन टैक्स में कोई अंतर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, कंपनी इंडिविजुअल कमाए तो इनकम टैक्स, कंपनी कमाएगी तो कॉरपोरेशन टैक्स, कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है, प्रॉफिट पर लगता है तो उसको कॉरपोरेशन टैक्स कहते हैं। देखो बच्चों जो है टैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल ये पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा टैक्स कौन लगाता है, वो किस प्रकार का होता है, इनकम टैक्स भारत सरकार, डायरेक्ट टैक्स, इस प्रकार से उदाहरण देके पूछते हैं, या निम्न में से कौन सा टैक्स भारत सरकार नहीं लगाती, या निम्न में से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या निम्न में से कौन सा टैक्स राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, ये जितने भी दे रखे हैं, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया,
दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब थोड़ा डिटेल में और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।